महाराज। आज बड़ी चिंता हो रही है हरिश्चंद्र को। अब जैसे ही बच्चे के दांत निकले हैं तो फिर बरुद्र जी का आना हुआ। कहा कि महाराज अब आप हमारा यज्ञ करवाइए, क्योंकि आपने कहा था कि बच्चों के जब दांत निकल आएंगे तो यज्ञ करवा देंगे। अब तो बच्चों के दांत भी निकल आए हैं। कहा कि आपसे भूल हो गई है, हमने ये वाले दांत थोड़ी बताए थे। ये दांत निकलने के बाद में जब दोबारा दांत निकलेंगे तब हम आपका यज्ञ करवाएंगे। आपसे भूल हो गई है। वरुण देव जी वहां से चले जाते हैं। अब हरिश्चंद्र को और चिंता लगी है। वरुण फिर आएंगे, क्या कहेंगे, क्या बताएंगे। अब यज्ञ भी नहीं कर सकते हैं और यज्ञ कर दिया तो हमारा पुत्र नहीं बचेगा। यह हमने क्या मांग लिया। अब वरुण जब गए, वरुण देव जी विचार कर रहे हैं कि सूर्य वंश में इतना कोई झूठ बोलने वाला राजा नहीं हुआ, लेकिन हरिश्चंद्र झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। देखें ये हमारा यज्ञ करेंगे भी या नहीं करेंगे। आज धीरे धीरे बच्चे के दांत भी निकले हैं। दोबारा फिर वरुण देव जी का आगमन हुआ। महाराज अब तो बच्चे के दोबारा के दांत भी निकल आए हैं, तो अब तो आपको यज्ञ करना ही पड़ेगा। आपने कहा था कि हम यज्ञ करेंगे। कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन अभी यज्ञ नहीं हो पाएगा, अभी यज्ञ नहीं हो पाएगा। ये बातें रानी तारा ने सुन ली है। मेरे पुत्र को यज्ञ में चढ़ाने की बात हो रही है। महाराज इसका मतलब है कि हमारे पुत्र को यज्ञ में चढ़ाना चाहते हैं। वरुण के वचन में बंधित हो गए हैं। आज तुरंत ही अपने पुत्र को बुलाया, गोद में बैठाया। कहा कि लाला तुम यहाँ से भाग जाओ, चाहे जहाँ रहना जा करके, लेकिन यहाँ से चले जाओ, क्योंकि महाराज अब नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें मार देंगे। और ये 101 रुपए श्री आराम सिंह यादव गांव हीरापुर, 51 रुपए श्री राम निवास यादव आसिफ, 101 रुपए अमर सिंह गांव रामई, 100 रुपए तालेवर सिंह गांव रामई, 51 रुपए विद्याराम गांव हीरापुर, 200 रुपए माया प्रकाश गांव रामई, 51 रुपए राजवीर गांव हीरापुर, 101 रुपए छोटेलाल गांव हीरापुर, 101 रुपए पनवारी लाल गांव हीरापुर, 101 रुपए विद्याराम गांव फालन। सभी भक्तों पर कन्हैया की कृपा बरसती रहे, धन के भंडार बहे रहे।